दस दिन में पांच मौतें तो हो गई है, आगे के दिनों में कोई और मौत ना हो। क्या ये हमले वास्तव में पैंथर के ही है? तो क्या सभी पैंथर आदमखोर हो सकते हैं? गट्टू भाई के घर से पहले इस बंद पड़ी स्कूल में एक पैंथर पिछले डेढ़ दो साल से आ रहा जा रहा है। नमस्कार, मैं लखन सालवी और आप देख रहे हैं डेली राजस्थान। राजस्थान के उदयपुर जिले के गोगुंदा थाना क्षेत्र में पैंथर का आतंक है। थाना क्षेत्र के बगड़ुंदा ग्राम पंचायत के गुजरो का गुड़ा गांव के समीप शाम को एक महिला पर अटैक हुआ है। उसके घर से 300 मीटर दूर ऊपर पहाड़ी पर शव मिला है। गट्टू भाई गुजर, मोतीलाल गुजर की पत्नी, उम्र 55 साल। मोतीराम जब शाम को घर गए तो पत्नी को घर पे नहीं पाया, तो खेतों में आसपास ढूंढा, नहीं मिली, चिल्लाने लगे। आसपास के लोगों ने सुना, गांव के लोग मौके पर पहुंचे, खेतों में ढूंढा, जंगल में ढूंढा और फाइनली 300 मीटर दूर लोगों को जो आशंका थी वो सही निकली और उसका शव मिला। उससे पहले मैं बताता हूं कि सुबह एक पैंथर को मजावत ग्राम पंचायत के कुंडव गांव के पास से पिंजरे में कैद करके उदयपुर के बायो पार्क में भिजवाया गया था। ये तीसरा पैंथर था, इससे पहले दो पैंथर पकड़े जा चुके हैं। तो जब पैंथर पकड़े जा रहे हैं तो फिर ये नए पैंथर कहां से आ रहे हैं? और जब इतने ही पैंथर यहां हैं तो हर पैंथर जो पहले लोगों पर हमला नहीं कर रहा था वो अब अचानक से लोगों पर हमले कैसे कर रहे हैं? क्या हर पैंथर आदमखोर हो चुका है या इसके पीछे कुछ और मिस्ट्री है? आज इसे समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, गोगुंदा में सब कुछ सामान्य चल रहा था। मैं यहां पर एक चित्र में आपको बताता जाऊंगा, आप समझने की कोशिश करिएगा। ये गोगुंदा टाउन है। गोगुंदा से एक रोड जो है वो जाता है पगड़ुंदा, मजावत, छाली होते हुए जाड़ोल की तरफ जाता है। एक रास्ता उससे करीब में जो जाता है वो पाटिया और सूरजगढ़ मोरवल वाला रोड है। एक रोड जो है वो जाता है ओगना, जो पड़ावली वाला रोड कहलाता है। पड़ावली, वास, ये गांव इस रूट पे आते हैं और ये सीधा उदयपुर वाला हाईवे है जो उदयपुर की तरफ जा रहा है रास्ता। ये रास्ता पिंडवाड़ा की ओर जा रहा है और यहीं से थोड़ा आगे से एक रास्ता ये सायरा की तरफ जा रहा है और यहां से एक रास्ता उससे पहले बरवाड़ा की ओर जाता है। तो इस तरीके से चारों तरफ गोगुंदा के रोड़े हैं और हर रोड के ऊपर चार पांच ग्राम पंचायतें हैं, मतलब एक दर्जन से अधिक गांव एक एक सड़क के ऊपर है। फिलहाल हम जो आज बात करेंगे वो इस सड़क की। ये एक सड़क है जो जाती है बगड़ुंदा, मादा, मजावत, मादा और छाली होते हुए ये रोड जा रहा है। इस रोड को हम समझेंगे कि ये जो जितनी घटनाएं हो रही है पैंथर के हमले की, अब वो पैंथर है या कुछ और है, आज सबको डाउट हो रहा है। पहली बार वन विभाग के लोगों को, अधिकारियों को चिंता हो रही है। पहली बार प्रशासन के अधिकारी भी सोच रहे हैं कि आखिर ये कैसे हो रहा है। और ये सब कुछ हो रहा है इस रोड पे। और अब हम इस रोड की थोड़ी सी डिटेल में बात करेंगे। देखिए, ये जो गोगुंदा से छाली जाने वाला, एक तरीके से झाड़ोल जाने वाला जो रोड है, ये सारी जो घटनाएं हो रही है ये इसी रोड पे हो रही है। ये जाड़ोल जाता है रोड, सबसे पहले बगड़ुंदा ग्राम पंचायत आती है, बगड़ुंदा के बाद में मजावत ग्राम पंचायत आती है, फिर मादा आती है, फिर छाली ग्राम पंचायत आती है। इस तरीके से इस रोड के ऊपर चार ग्राम पंचायतें हैं और जितनी मौतें हुई है पैंथर के अटैक से जो कही जा रही है, कथित पैंथर के अटैक से, वो सारी इसी के ऊपर हुई है। आपको बता दें पहला मामला कब हुआ। देखिए, पहले सब कुछ शांति से चल रहा था। गोगुंदा उपखंड क्षेत्र में 63 ग्राम पंचायतें हैं और कमोबेश हर ग्राम पंचायत में एक पैंथर है। पैंथर के द्वारा गायों के ऊपर अटैक करना, बैल पर अटैक करना, भैंस पर अटैक करना और बकरियों पे और पालतू पशुओं के ऊपर अटैक करने की जो है खबरें आती रहती है, लेकिन मानव के ऊपर, इंसान के ऊपर हमले करने की वारदातें अभी लगातार हो रही है। यह सिलसिला 18 तारीख से शुरू हुआ था, 18 सितंबर को। आज 28 सितंबर है, 10 दिन हुए हैं और इन 10 दिनों के बीच में 5 मौतें यहां पर हो चुकी है। और ये खास तौर पे समझाने के लिए, समझने के लिए और आपसे भी बहुत कुछ जानने के लिए रिकॉर्ड कर रहे हैं। आप हर व्यक्ति गांव में जानकार है, पशुओं का जानकार है, खेती का जानकार है, जंगल का जानकार है और जानवरों का भी जानकार है।
आप हम सबको बताइए, मीडिया को बताइए, प्रशासन को बताइए, वन विभाग को बताइए कि क्या जो हम सोच रहे हैं वो सही है, क्या ये हमले वास्तव में पैंथर के ही है या कोई और जानवर है। ये पहली बार मुझे ऐसा लग रहा है जब ये पांचवी मौत आज हुई तो इसपे बिल्कुल इसने सोचने पे मजबूर कर दिया है कि ये लगातार एक साथ एक ही रोड पर ऐसा क्यों हो रहा है, हर जगह पे पैंथर है, वहां क्यों नहीं हो रहा है और यहाँ हो रहा है। उसमें भी जो सौ मिले हैं, पांच मौतें जो हुई है, अगर हम उनकी बॉडी की बात करें तो उनके बॉडी में से एक हाथ ही क्यों गायब हो रहा है और एक पांव क्यों गायब हो रहा है, उनके चेहरे पर एक ही तरफ से क्यों नोचा जा रहा है और बाल क्यों उखाड़े जा रहे हैं, क्या पैंथर ऐसा करता है। आज मैंने कई वन विभाग के अधिकारियों से भी बात की तो उनका यह मानना है कि पैंथर इस तरीके से बॉडी के टुकड़े करके नहीं फेंकता है, वो बस बॉडी खाता है, लेकिन कहीं हथेली मिल रही है, कहीं पांव मिल रहा है, किसी का आधा पांव मिल रहा है, किसी का एक हाथ नहीं मिल रहा है, ये क्या कहानी है, ये मिस्ट्री क्या है, इस पे हम सबको सोचने की जरूरत है। कई अधिकारियों का मानना है कि उन्होंने अपने जीवन में इस तरह के केसेस नहीं देखे हैं। एक दो जगह पे एक आदमखोर पैंथर हो सकता है, लेकिन एक ही पैंथर इतनी लंबी दूरी तक इस तरीके की वारदातें कर सकता है, या क्या सारे के सारे पैंथर आदमखोर हो सकते हैं? एक आदमखोर पैंथर इतनी जगह पर जाकर ऐसी वारदातें इतनी दूरी में नहीं कर सकता है, तो क्या सभी पैंथर आदमखोर हो सकते हैं? इस सवाल का जवाब कहीं कहीं हाँ में मिल सकता है। आपने जोम्बीज नाम सुना होगा, जोम्बीज एक फिल्म देखी होगी आपने, जिसमें एक मानव दूसरे मानव को काटता है और वो जिसको काटता है वो भी जो है जोम्बीज बन जाता है। एक तरीके से जिस तरीके से कुत्ते का काटा हुआ पागल हो जाता है और उस पागल के काटने से दूसरा पागल हो जाता है, क्या इस तरीके से भी कुछ हो सकता है इस केस में भी? इस पे भी सोचने की जरूरत है और सरकार को ये जो मौतें हो रही है इनके ऊपर एक हाई सर्च कमेटी बैठानी चाहिए जो इसकी जांच करे और इसकी वास्तव में जांच होने की जरूरत भी है। बहरहाल हम बात करते हैं इस मौतों के सिलसिले की, इन हमलों के सिलसिलों की। सबसे पहली जो बात करें तो 18/9/2024 को, 18 सितंबर को पहला मामला सामने आया था जब छाली ग्राम पंचायत के उंडीथल गांव में जो एक फले के अंदर एक पहाड़ पे जो बकरियां चराने गई थी लड़की कमला कमेटी जिसकी उम्र 16 साल, वो जो है 18 तारीख को बकरियां चराने गई, वो वापस अपने घर नहीं लौटी थी। कुछ लोग कह रहे हैं बकरियां चराने गई, कुछ लोग कह रहे हैं कुछ और चराने गई, पर सच बात यह है कि वो गायों को चराने गई थी। उसके घर में गायें हैं, चार गायें लेके वो गई थी। गायें तो वापस घर पे आ गई लेकिन कमला वापस घर पे नहीं आई। लोगों ने आसपास ढूंढा भी और अंत में 19 तारीख को जो है उसकी बॉडी लगभग घर से 700-800 मीटर दूर मिली। बॉडी का आपने देखा ही उसमें कि एक टांग जो है उसकी आधी नहीं थी और एक हाथ उसका कोहनी तक कटा हुआ था, मतलब यहां तक कोई जानवर खा गया था। संभावना यही है कि पैंथर ने खाया होगा। उसकी बॉडी को गोगुंदा की सीएससी में लाया गया जहां पर उसका पोस्टमार्टम की कार्रवाई चल रही थी और वो बॉडी वापस घर नहीं पहुंची, उसका दाह संस्कार नहीं हुआ उससे पहले ही उंडीथल गांव से थोड़ी दूरी पर बेवड़िया गांव है और उस बेवड़िया गांव में खुमाराम गमेती जो अपने घर से घर के लगभग सामने 2.5 किलोमीटर दूर जंगल में पशुओं को लेने गया था और उसी दौरान उसके ऊपर पैंथर ने अटैक किया। लोगों ने वहां पर पैंथर को देखा भी, पर पैंथर जो है यहाँ पे ये रही कि जब अटैक किया तुरंत ही लोग वहां पहुंच गए थे तो वो उसकी बॉडी को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा सका था। तो ये बात थी 19 तारीख की, 19 सितंबर को। अभी दो बॉडी हो गई मोर्चरी में 19 तारीख को और उन दोनों का जो है दाह संस्कार भी नहीं हुआ। उससे पहले 20 तारीख को छाली ग्राम पंचायत के ठीक सामने की तरफ लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पे उमरिया गांव में हमेरी बाई गमेती जो अपने बीड़े के अंदर जो है चारा काट रही थी और उसके ऊपर भी पैंथर ने हमला किया। वहां भी लोगों ने पैंथर को देखा, पैंथर उसको दबोच के जो है झाड़ियों में ले गया था और काफी देर तक उसके पास में बैठा भी रहा था। लोगों ने पत्थर फेंके थे तब जाके वो पैंथर वहां से भागा था, पर वो हमेरी बाई की बॉडी को थोड़ा नुकसान पहुंचा चुका था। अभी इस घटना को लोग भूले नहीं थे,
इधर जो है उमरिया के अंदर जो है वन विभाग की टीमें सतर्क थी, कई जगह पे पिंजरे लगाए गए, ट्रैप कैमरे लगाए गए, जो सब कुछ आपने पुराने वीडियो में देखा, नहीं तो आप ये जो ऊपर आई बटन आ रहा है इस आई बटन पे क्लिक करिएगा, पुराने वीडियो आपको मिल जाएंगे। तो जहां जहां भी आई बटन आ रहे हैं उन पे क्लिक क्लिक करके आप उन वीडियो को देख सकते हैं, उनमें डिटेल जानकारी दे रखी है। तो वन विभाग की टीम थी, सेना की टीम भी बुलाई गई, प्रशासन की टीम थी, राजस्व विभाग की टीम थी, पुलिस प्रशासन वहां था, अलग अलग जगह पे पिंजरे लगाए गए, पिंजरों में मछली की गंध वाला पानी रखा गया, वहां पर मांस रखा गया, कहीं बकरे अंदर डाले गए, कहीं कुत्ते अंदर डाले गए पिंजरे के अंदर, ताकि उनको खाने के लिए पैंथर आए और उनको पकड़ लिया जाए। और अंत में जो है वहां पे दो पैंथर है जो हाथ में भी आए। इस उमरिया गांव में जो दो लगाए थे पिंजरे तो तीन लगाए थे, लेकिन दो पिंजरों में, अलग अलग पिंजरों में दो पैंथर आए। दोनों पिंजरे जो है वो 500 मीटर की दूरी पर लगे हुए थे। यहां से उन पैंथरों को बायोलॉजिकल पार्क ले जाया गया। कहा जा रहा था कि उनके जो आगे के चार दांत होते हैं ना, दो ऊपर दो नीचे, तीखे नुकीलो मजबूत दांत होते हैं जिनको कैनाइन बोलते हैं, वो शिकार को पकड़ने में काम आते हैं, वो दांत इनके नहीं थे, एक के बिल्कुल नहीं थे और एक के दो ही थे। तो वन विभाग के अधिकारियों का कहना था कि चूंकि ये नेचुरल शिकार नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए इन्होंने मानव, शायद ये इसलिए क्योंकि मनुष्य का शिकार करना आसान है, तो शायद ये इसलिए मनुष्य का शिकार कर रहे होंगे। तो ये बात उनकी समझ में आती है। हालांकि उनका विष्टा लिया गया और भी चीजें ली गई और हैदराबाद और वहां पर उनकी वो चीजें भेजी गई है जिनकी रिपोर्ट होगी और एक महीने बाद में वो रिपोर्ट आएगी, तब पता चलेगा कि वो आदमखोर थे या नहीं थे। इसी बीच क्या हुआ, 23 तारीख को एक और मामला आ गया। 23 तारीख को शाम को मझावद ग्राम पंचायत के कुड़ौ गांव में शाम को एक माँ एक नाले के पास में कपड़े धो रही थी और उसके पास में उसकी बच्ची 6 साल की सूरज वो बैठी थी, वो भी अपना हाथ पैर धो रही थी, तभी वहां पैंथर आया और उसने अटैक किया और वो बच्ची को ले गया। गांव के लोगों को जब मालूम पड़ा तो लोग भी दौड़ के सामने गए और जंगल में जब उन्होंने देखा 700-800 मीटर आगे तो बच्ची की हथेली मिली, आगे बॉडी मिली थी, पैंथर आया गुर्राते हुए और उस बॉडी को लेके वो भागा जंगल की ओर। रात में लोगों ने काफी तलाशी की, वन विभाग के लोगों ने भी तलाशी की, लेकिन बॉडी नहीं मिली। दूसरे दिन बॉडी मिली, यानी 24 तारीख को जो है उस बच्ची की बॉडी मिलती है। बॉडी के क्या था, वही हाथ गायब और पैर भी आधा खाया हुआ। ये सेम एक हाथ खाना एक पैर खा रहा है, पर यहाँ थोड़ा और भी था कि उसका सीना पूरा वो खा चुका था। वहां पे पिंजरे लगाए गए उसी दिन और 27 तारीख की रात को 2:30 बजे एक पिंजरे के अंदर एक पैंथर आया। 27 तारीख को क्या था, शुक्रवार रात को 2:30 बजे एक पैंथर एक पिंजरे में गया है। उस पिंजरे के अंदर एक बकरा था, उस बकरे को खाने के लिए वो गया और वो अंदर फंस गया, जिसे 28 तारीख को मतलब आज सुबह बायोलॉजिकल पार्क उदयपुर में भेजा गया। अभी राहत की सांस ली थी कि हाँ ये तीसरी वारदात जो यहाँ करी थी, चौथी वारदात, पहली ये थी, दूसरी ये थी, तीसरी उमरिया में थी और चौथी कुड़ौ गांव में थी। और कुड़ौ गांव कितना दूर है, देखिए जो यहाँ तक कि ये उमरिया वाली छाली पंचायत में जो हुई थी ना, इसके बाद में यहाँ से जो हुई है ये 9 किलोमीटर दूर है। यहाँ से 9 किलोमीटर दूरी पर कुड़ौ गांव के अंदर पैंथर ने अटैक किया 6 साल की बच्ची के ऊपर। और उसी दिन जो है यहाँ एक पहाड़ है बड़ा, इस पहाड़ के पार चांटियागिरी ग्राम पंचायत है, उसमें राणा गांव है, उस राणा गांव से 1 किलोमीटर आगे मोरा माता जी का मंदिर है और मंदिर के पास में एक बाड़े के अंदर 30-40 भेड़ रहते हैं और वो थे बुरालाल गायरी के। बुरालाल गायरी शुक्रवार शाम को पे आया हुआ था खाना खाने के लिए, वापस लौट के गया, तकरीबन रात के 9:30 बजे की बात है। वहां पर जो उसने बाड़े में जाके देखा तो 4 भेड़े तो जो है घायल अवस्था में पड़ी हुई थी और 3 की मौत हो गई थी और चौथे को उसने देखा कि पैंथर लेके जा रहा है। इस दिन में एक पैंथर जब है यहाँ पे भी नजर आ रहा है, एक पहाड़ के पार में उधर भी नजर आ रहा है। जिस दिन उमरिया वाली घटना हुई उस दिन एक पैंथर यहाँ कर रहा है, दूसरा पैंथर पहाड़ों के सुदूर पार, जो ये दूसरा रास्ता है पाटिया मोरवल वाला, सूरजगढ़ वाला, उस रोड पे उधर देवरों का खेड़ा गांव है, वहां पे जो है पैंथर ने 4 बकरियों का शिकार किया था। तो पैंथर इधर भी है,
पैंथर इधर भी है। इस तरफ में जो घटनाएं हो रही है वो हो रही है बकरियों पर, भेड़ों पर, इन पे, और इस तरफ जो है सारी वारदातें हो रही है वो हो रही है इंसानों के साथ, सारे हमले हो रहे हैं इंसानों के ऊपर। आज शाम को 28 तारीख को शाम को बगड़ुंदा ग्राम पंचायत के गुजरों का गुड़ा गांव में महिला के ऊपर जो है अटैक हुआ है। महिला का शव लगभग 9:15 रात को मिला है और महिला चारा काटने खेत पे गई थी, वो नहीं लौटी। इस घटना को देखते हैं तो देखिए, ये एक रोड है, यहां पे जोगियों का गुड़ा गांव है, स्कूल भी है, स्कूल से आगे ढलान है, एक रास्ता मजाम की तरफ जा रहा है और मजाम के पास में जैसे ये टर्न है, इस टर्न से वापस ये टर्न लेते हैं, यहाँ पर एक रोड जा रहा है कच्चा, यहाँ पे बड़ा चौरा है, यहाँ पे एक स्कूल है, यहाँ से एक रास्ता जा रहा है, ये पूरा गुजरों का गुड़ा गांव है और यहाँ आखिर में एक स्कूल है और उस स्कूल से आगे 1 किलोमीटर आगे जंगल में इकलौता अकेला मकान है मोतीलाल गुजर का। मोतीलाल गुजर अपनी पत्नी गट्टू भाई के साथ में यहीं पर जो घर बना हुआ है इसमें रहते हैं और गट्टू भाई चारा लेने गई और उनके साथ में ये घटना हुई। अब गट्टू भाई के घर से पहले इस बंद पड़ी स्कूल में एक पैंथर पिछले 1.5-2 साल से आ रहा जा रहा है और इस पैंथर की जानकारी उन घर वालों को भी है, सबको है, लेकिन उस पैंथर ने न कभी इन पे गुर्राया, न वो पैंथर कभी इनके ऊपर झपटा, बस वो दिखाई देता है कभी आता जाता, लेकिन उसने किसी के ऊपर हमला नहीं किया। लेकिन आज ये कहा जा रहा है कि इसी पैंथर ने इसके ऊपर हमला किया है। बॉडी के पास लोग पहुंचे, उन्होंने देखा तो सबने आशंका जताई है कि ये पैंथर का किया काम नहीं है, ये लकड़बग्घा ऐसा कर सकता है, दांत छोटे छोटे हैं, छोटे छोटे टुकड़ों करके बॉडी को खाया गया है, तो कुतर कुतर के खाया गया है, ऐसा गांव के लोगों का कहना है। तो यहीं से अब सबको लग रहा है कि ये वास्तव में पैंथर है या कोई और है, और पैंथर है तो क्या सब पैंथर एक साथ आदमखोर हो गए हैं, और सबसे बड़ा सवाल यही है कि सारी की सारी जो वारदातें हैं वो इस एक ही रोड पर क्यों हो रही है। छाली मजावत वाला जो रोड है, इसी रोड के ऊपर जो पैंथर है वही क्यों आदमखोर हुए हैं, तो इसकी सरकार को बड़े स्तर पर जांच करवानी चाहिए। क्या पैंथर में ऐसा कोई रोग हो गया है, क्या सभी पैंथरों में कुछ ऐसा हो गया है कि वो आदमखोर हो गए हैं, तो उनकी संभावनाओं से फिर और इनकार नहीं किया जा सकता है कि और जो पैंथर है वो भी ऐसी घटनाएं कर सकते हैं। तो ऐसे में जहां जहां पे हॉटस्पॉट है, जैसे कमोल है, कमोल के पास में पैंथर है, तिरोल ग्राम पंचायत क्षेत्र में पैंथर है, नांदेसमा में पैंथर घूम रहा है, तो इस तरह के और जो ये राणा गांव चाटियाखेड़ी के आसपास में पैंथर है, नाल के अंदर पैंथर है, ऐसे ही जो और मोरवल की तरफ, सूरजगढ़ की तरफ पैंथर है, और हर जगह से पैंथर कहीं कहीं दिखाई दे रहे हैं, तो जहां कहीं से भी सूचना मिल रही है पैंथर की, उस गांव में एक पिंजरा लगा दिया जाए, ये विभाग को करना चाहिए ताकि और मोते ना हो। और आप लोग जो गोगुंदा क्षेत्र के इस वीडियो को देख रहे हैं, कमेंट में लिखिए, तुरंत हमें भी बताइए, मेरे नंबर भी कई लोगों के पास में हैं, तो सूचना करिए, प्रशासन को करिए, पुलिस थाने में फोन करके बताइए, अगर आप कहीं पर भी जो है पैंथर देखते हैं तो उसका फोटो क्लिक करिए, कोशिश करिए फोटो लेने की, और ना भी ले सके फोटो, अगर कहीं दिखता है तो उसकी सूचना जो है वो तुरंत प्रशासन को दीजिए। और वन विभाग को ये चाहिए कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वो पिंजरे अरेंज करवा सकते हैं उतने पिंजरे अरेंज करवाएं, और जहाँ जहाँ संभावित जगह हैं वहाँ पर पिंजरे लगाएं, ताकि 10 दिन में 5 मौतें तो हो गई है, आगे के दिनों में कोई और मौत ना हो।